प्रधानमंत्री आवास योजना जहां गरीब निर्धन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है, वहीं दूसरी ओर पंचायत कर्मियों और हितग्राहियों की लापरवाही के चलते यह योजना पूरी तरह से सफल होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को कुछ लोग पलीता लगा रहे हैं। ज्यादातर देखने में आ रहा है कि हितग्राही के खाते में आवास की राशि आने के बाद कुछ परिवारों ने स्वयं राशि लगाकर भवन को सुव्यवस्थित बना लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनका निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया और राशि बंदरबांट कर दी गई। पूरा मामला छत्तीसगढ़ जिले के गोरिल्ला पेंड्रा की ग्राम पंचायत गंगपुर का है, जहां 3 वर्षों से बन रहे प्रधानमंत्री आवास अब तक अधूरे पड़े हुए हैं। आवास के अंदर की छपाई, फर्श एवं खिड़की दरवाजे आज भी नहीं लगे हैं। ठेकेदारों ने ठेका तो ले लिया, केवल आखिरी किश्त 10,000 की बची हुई है। अब हितग्राहियों का कहना है कि 10,000 में क्या क्या काम करवाएंगे। हितग्राही अधूरे प्रधानमंत्री आवास में रहने को मजबूर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों की राशि आज तक 4 वर्ष पूरे होने को आए हैं, हितग्राहियों को 7300 की राशि नहीं मिली है। इस राशि में जमकर बंदरबांट होने की आशंका जताई जा रही है। जब इस मामले को लेकर CEO जनपद पंचायत गोरिल्ला OP शर्मा से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो सकी। आपको बता दें कि सचिव के द्वारा कुछ लोगों के शौचालय के लिए 4500 का प्लेटफॉर्म और सीट बैठाकर देने की योजना पर हितग्राहियों से पूरा कार्य करवाया गया और केवल 3000 ही दिए गए। इस संबंध में ना तो पंचायत सचिव उमाशंकर उपाध्याय कुछ कहते हैं और ना ही CEO OP शर्मा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही करेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का इसी तरह से बंदरबांट होता रहेगा। गोरिल्ला पेंड्रा से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। भैया आपका आपके यहाँ शौचालय बना है? बना है। कितनी राशि मिली आपको शौचालय की अभी तक? 3000 मात्र। कैसा बना था ये गड्ढा, कौन किया था, प्लेटफॉर्म कौन बनाया था? हम किए, आप ही लोग बनाए थे। उसके बाद भी केवल 3000 ही मिला? आपको मालूम है कितना मिलना चाहिए आपको? 12,300 मालूम नहीं था मेरे को। 12,300 रुपए की राशि है, उसमें केवल 3000 मिला है। बाकी आपने सचिव से नहीं पूछा क्यों नहीं मिल रहा है? तो अभी आ नहीं रहे बोल रहे। अच्छा, खाता में पैसा नहीं आ रहे। ये प्रधानमंत्री आवास है जो आपके पीछे बन रहा है, किसके नाम से है ये? ललुआ के नाम। ललुआ के नाम से। कितने सालों से ऐसे ही पड़ा है ये? नहीं, साल भर हुआ है। पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? वो ही दादा, पंचायत के लोग आए थे क्या बोलने के लिए? वो ही ठोको पास मर ले। अच्छा, मैं बता देता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।